हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को जैसे आप लोग बोलते हैं कि छक्का हर जगह नंगा होता है, छक्का कोई पब्लिक का ऊपर लूट जाता है, तो छक्का की कोई कीमत नहीं दिलाता है। और सब एक छक्का का मर गया तो छक्का का माँ बाप भाई बहन तो सब कोलकाता में है, तो इसका इंसाफ कौन दिया है? आप लोग को नहीं दिलवाएंगे, हम लोग ही तो छक्का ही ना छक्का का इंसाफ दिलाएंगे। जब आप लोग हर जगह बोलते हैं कि किन्नर छक्का हिजरा बिना मतलब का हर जगह नंगा होता है, हर जगह हंगामा करता है, तो आज देख लीजिए हंगामा नहीं किया चार दिन से। जब हमारे साथ ना इंसाफी हुआ तभी तो हम कहते हैं हंगामा। बिना करेगा इसका मतलब हम किन्नर तो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा, भेदभाव करेगा नहीं। ये भेदभाव वाली बात है, ये भेदभाव वाली बात है तुम्हारे प्रशासन पे। ये थाना किस लिए है? थाना इसलिए आम आदमी के लिए है ना। हाँ, 3 दिन हुआ कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया एक्शन किसी के खिलाफ? प्रशासन भी मिली लेना चाहिए ना आपको एक्शन। किसी का बच्चा है ना, वो भी किसी का बच्चा है, लेकिन लेना चाहिए तुम्हारे प्रशासन, क्यों नहीं ले रहा आगे? 3 दिन हो गया उसको मरे हुए, क्यों नहीं लिया कोई एक्शन? क्यों नहीं लिया तुम्हारे प्रशासन ने एक्शन? लेना चाहिए कहीं ना कहीं। जो जिले के एसपी साहब है बहुत स्ट्रिक्ट है, केस एसपी ट्रायल में एसपी साहब ने बोला कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कहाँ से लेंगे कार्रवाई? 4 दिन हो गया। अगर होता तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगर होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे हम लोग नहीं होते। अभी तक सुनवाई कुछ नहीं हुआ तो हो रहा तुम्हारे यहाँ। तुम्हें क्या लगता है कि प्रशासन लोग पे आप लोगों का विश्वास है कि आप लोग नहीं 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 हम लोग बोले हैं प्रशासन को घूस चाहिए, प्रशासन घूस मांग रहा है तभी तो पाई पाएगा। तब थाना का बड़ा बाबू बोल रहा है कि बर्फ का पैसा कौन देगा? बर्फ का पैसा तक मांग रहे हैं, बर्फ का पैसा इतना बड़ा बोलता है, बर्फ का पैसा कहा जो कमी सरकार सरकार से इतना पैसा मिलता है अपने बीवी का जेवर खरीदने के लिए? हाँ, हमारे लिए नहीं है कुछ। हाँ, हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है। अब ये बहुत ट्रांसजेंडर का वोटर आईडी कार्ड हुआ, वो लोग भी तो वोट देता है ना। हम लोग का बहुत ट्रांसजेंडर का वोटर आईडी कार्ड, हम लोग भी नेता बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, हम लोग भी सरकार बनाते हैं, तो हम लोग का लिए इंसाफ क्यों नहीं है? थाना प्रभारी कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा वो जहाँ भी होंगे। आपके केस में, आपके केस में एसपी साहब खुद आए थे, वो निरीक्षण किए। एसपी साहब तो पहले खुद बोला बर्फ का पैसा कौन देगा? नहीं, एसपी साहब नहीं बोले हैं, एसपी साहब नहीं बोले, गलत बयान है। हाँ, एसपी साहब नहीं बोले, कौन बोला? तुम्हारा एफसी साहब। चलिए आप मेरे साथ चलिए, देखिए उधर क्या हो रहा है, सब मसला हल हो जाएगा। अरे हर चीज का नहीं, अच्छा, यही लोग अगर ये हल नहीं होगा ना, तो वाकई में कह रहे हैं किन्नर भी अपने जात पे उतर जाए ना, तो कोई कैंस नहीं है। ये जो काला कोट वाला, ये तीनों को चाहिए हम लोग, ये जो तीनों लगाया जाए कहीं। हमने इनको बोला, सुनिए मेरी बात, वीडियो दिखा वीडियो, जो नहीं किया उसको पुलिस ने उठा लिया, जो किया उसको बंद कर दिए। पुलिस ने हमेशा उल्टा रास्ता दिया ना। आज आप लोग चला रहे हैं, आज आप लोग तड़प रहे हैं, तो एक महीना दो महीना बड़ा तुम्हारे यहाँ बैठिए ना, बड़ा तुम्हारे यहाँ दबा हुआ है, जिसने काम किया वो बचा हुआ है, और जिसने नहीं किया उसको डाल दो जेल में। कहाँ का इंसाफ है तुम्हारा? इंसाफ है आप लोग का? उल्टा कानून बन गई है, उल्टा कानून करते रहो, अंधा कानून। बेटा इंसान नहीं है, वो धरती पर एक बोझ है ना आप लोगों के जुर्म में। फिर अगर बोझ नहीं है तो इंसाफ दिलाइए हम लोग। अनुसंधान का पाठ हो जाता है, अगर थानादार पर आपको भरोसा नहीं है तो डीएसपी को बोलिए केस ले लेंगे। आप लोग अनुसंधान के लिए या अनुसंधान का पार्ट, अगर ये आप लोग से नहीं होगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे ना, आप सब पे हम लोग केस करेंगे ना, कि आप लोग बताइए पब्लिक ने बुलाया ना, तो उसी तरह हम लोगों को जब हमने बोला डीएसपी जानकारी हुआ बर्फ के पैसे कहाँ से आएंगे? जब यहाँ के जो बड़े बड़े अफसर कह रहे बर्फ के पैसे कहाँ से आएंगे, तो हम क्या करें? उनके पास नहीं है, उनकी बेटी अभी उन्हीं के घर का होता किसी का, अभी तुम्हारे घर में किसी की लड़की होती लड़का होता, तब तो पूरा केस आप लोग दर्ज करते। आज वो किन्नर एक मर गया,
पर केस नहीं है उसका, क्यों नहीं है केस? अरे बैठिए ना, बैठिए ना, उसका उसका केस क्यों नहीं है? हल्ला हल्ले से आते हो आप लोग के पास, हल्ले से आते हो, बिना हल्ले से नहीं आते हो। आम आदमी तो मर जाएगा, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? आम आदमी तो मर जाएगा तुम्हारे चक्करों में। कल जो मर गया वो कल कोई दस्तखत करने का तैयार नहीं था वहाँ पे, जब उसकी बॉडी उठा जाएगी। कोई दस्तखत कर रहा था मैडम, आप थी ना वहाँ पे? कोई दस्तखत? मैंने दस्तखत किया, मैं कोई कभी वहाँ गया हूँ वहाँ पे, मेरे पंचायत में नहीं, फिर भी मैंने दस्तखत किया बॉडी उस मरवाने पे। अब देखिए बॉडी उसकी सड़ रही थी आज 12 बजे तक, यहां डीएसपी साहब यही खाने पर एक मिनट कुछ आने वाले हम लोग के पास का परसों भी रहे कि उसका वो निकल आ गया है उसी समय ही लोग फोन करके बोले वही समय नहीं होता है टेंशन बात कर रहे हैं तो बोले कि बात क्या करोगे उसी में उनसे कहा गया 9 बजे तक हम लोग महोदय से बात बताएंगे क्योंकि ये नहीं थी यहां पे पटना उस बात को अगर पकड़ के पूछे जिद करेंगे जब डीएसपी सारी बोल दे रहे हैं कि मुझे बर्फ के पैसे चाहिए तो बस भी बताओ हम लोग क्या करें या उनके डीएसपी सर आए ना हम लोग बर्फ का पैसा अच्छे से दे रहे हैं सारा दूंगी पैसा बोल आएगा उन्हें पकड़ के पैसा चाहिए ना तो पैसा ही भरूंगी पैसा ही भरूंगी सब लोग जितना बेचैनी है इंसाफ दिलाओ हम लोग को इंसाफ कब तक मिलेगा तीन दिन से कोई सोया नहीं है यहाँ पे देखिए उसी के चक्कर में मेरा चेहरा देख रहे हो ना मेरी आँख से नींद उड़ गई है अच्छा मुझे जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन रात को मेरे छत पे पता ना कौन चढ़ा था मेरी बात सुनो अच्छा रात में हम गए थे आप कल गए सुनिए लेकिन लोग था गर्मी था इसलिए हम आगे बढ़ जाने की धमकी अगर कोई धमकी रहा तो निगरानी ही पैसा कोयला दवा का एक लड़का जो उसको अरेस्ट करके लाया गया वहाँ से अंदर बंद है हवालाते बंद है वो हवालाते बंद है वो वहाँ से बैठ के दायरा में है अभी रोका हवालाते बंद है वो उसका कहना पहला दिन ही नहीं नहीं जब मैं उसके पार्टी में थी मैं उसके साथ प्रोग्राम करने जाती थी मुझे पता है कि किसको पैसा निकाल के दी है बस वो जो बाल वाला है ना मुझे इतना बोली थी कि मैं 5 लाख रुपए किसी को दी हूँ जमीन लिखवाने के लिए बट उसने कभी नाम तक जिक्र नहीं किया हम लोग से जितना जानते हो ना उतना पुलिस को सही वो बता अभी मैं नहीं बोली उनसे बात हुआ सैटरडे को सैटरडे भी बीता है उनका बात है 10 और 12 बजे के बीच में उसका फोन करके वो टेस्ट किया जाए की किसने हमसे बोला फोन करके कोई बात हुआ तो उसको मुझे गिरिया ये बात है जब मैं बोली पुलिस जरा वो जो लड़का आप जिसके बारे में बता रहे क्या मिला सकते हैं उन लोगों से अभी तो देखिए रूल नहीं है रूल नहीं है तो ठीक है जो बैंक में जहाँ पे खड़ा था लोग और जहाँ बैंक का कोयला दवा का बैंक वो जो काला जो कोट में है ना कोयला दवा का ही आदमी है ठीक है आप फेस टू फेस आप देखो पूरा वीडियो साफ वीडियो आप पकड़ सकते हैं तीनों लेकिन कैसे अभी हम मान लें कि इसके द्वारा ही किया आप लोग समझिए इस बात आप ही बताइए पुलिस जांच कर रही है हम उसमें अनुसंधान के क्रम में ठीक है उसको रखिए ना कोई दिक्कत नहीं सुबह के रखने का चाहिए वो उस दिन भी बोले कि आप पी रही है काम करने के लिए अच्छा 5 मिनट लगा आपको जैसे जैसे हमको कॉल मिलते गया वैसे वैसे दौड़ दौड़ के धरते रहे आप देखे हैं कि नहीं देखे ठीक है पकड़े हो बट इसको लेकिन आप लोग पकड़े हो बस लेकिन चले ओके नहीं होगा कि यही आदमी किया है इन लोग को पकड़ के लाए हो उन लोग को नहीं पकड़ा अनुसंधान का पाठ है अनुसंधान का पार्ट कॉल डिटेल से समझिए इस बात हर तरह से हम देख के ओके होंगे इसका संचालन डीएसपी साहब कर रहे हैं जब आप लोग के राज में हम लोग के साथ ये होगा तो फिर हम कहां जाएंगे हां ऐसे होगा सब आपको वहां हम लोगों को भी जीने का हक है ऐसे आप बैठिए ना आप भी बैठ जाइए मैडम इधर आगे सर आते आपको मम्मी उधर आओ ना अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं तो जब सहयोग नहीं कीजिएगा तो हम सफलता कहां से मिलेगी बोलिए सफलता के लिए सहयोग कर सकता है आप लोग सहयोग कीजिएगा तभी होगा आप लोग भी कुछ जानते थे जान का जान चला जाता नहीं देखिए अब तो जान चला आप इस एरिया के हो बिल्कुल इतने लोग यहाँ पे पड़े हैं तो आपका चेहरा नहीं पहचानता नहीं देखिए उस आदमी को मैं भी नहीं पहचानता हूँ मैंने उसका पर मैं यहाँ तो बड़का गाँव में थी इसको मैं हजारों बार देखा कोयला दवा की बिल्कुल तो आप जानते तो बताइए कौन है घटना से पहले कभी कोई कुछ कहा कि नहीं ये बात है हमेशा आपको अगर आप जानते हैं तो बताइए तुम लोग पहचानते हैं फेस टू फेस उसको गौर से तुम लोग देखो मुझे भी लगता है देखिए चलिए चलिए गौर करो चलिए उधर बरामदा।
बाजी एक मिनट को मैं पूछ रहा हूं, 1000 रुपया करो ढंगी में लगा, ये भी तो उनका ड्यूटी का है, ये भी तो ड्यूटी है। आप लोग आ गए हैं तो हम ड्यूटी है कि नहीं है, एसपी और डीएम का पॉइंट ऑर्डर सारे आए हम लोग के बुलाए नहीं, ये ड्यूटी है कि नहीं है, ड्यूटी तो आज ये क्या है, यहां पे मैं गोवे लेकर कहां-कहां करती रहूं, कोई इसका बात नहीं मतलब है, मैं बोल भाई हम लोग मांग रहे हैं एकदम सब एक से थाने पे पेट्रोल गिराई और खुद मारेंगे सब लोग, आप दोनों को यहाँ बुलाइए, हम लोग इन साहब तो ये जान के बदला जान है और तीनों आदमी चाहिए। हाँ फोन कीजिए डीएसपी के पास, बुलवाइए इस थाने पे, बैठिए ना, बैठो तो बैठे तो पहले है, अब क्या हम भी बैठेंगे क्या, हमें तो नहीं बैठना, हमें तो इंसाफ चाहिए, बुलाओ डीएफसी से, मैं तो उससे करूंगी बात, उससे करूंगी, पैसे का भूखा है ना, यही लगा के मारूंगी, आगे भी 10 मिनट में यही नहीं आया ना, आधे घंटे में ना आग लगाए ना शरीर में, तो मुझे कहियो तू, तुम्हें बताऊंगी, थाना तुम चला रहे हो, थाना चला रहे हो आप लोग, थाना चला रहे हो आप लोग, नहीं आप लोग थाना चला रहे हो, इस तरह थाना चलता है, इस तरह थाना चलता है आप लोग का, यहाँ पे 10 बजे का इस तरह का मारेगा, 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 मारेगा,